दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारे से, तुम खाते क्या हो? तो ये हमारे गांव के आज इन्हें नौकरी मिली है। बुरा क्या हो गया? बिस्कुट के पैकेट भी खा लेता हूँ। मेरे जान में चिपक गया, देखो मार लीजिएगा। बुरा क्या हो गया? बिस्कुट के पैकेट में ट्रे जा लिया फरमा। अरे बुढ़िया ना दे रही भोले के लिए, हमारे लिए। अरे भैया 5 रुपए का यार गुलाबोस का, जो 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 भूखा है उसे देना रही, इन्हें दे रही जबरदस्ती। जब ना ले रहा तेरे से कोई, तू उरे गुलिया। अरे भैया दाल चावल तो खाते खाते मैं बोर हो चुका हूँ, और कब तो कढ़ी चावल का जी कर रहा है, थोड़ा कढ़ी चावल खा लूंगा। बस दोस्तों आज हम मैं खतौली की नहर पे खड़ा हूँ, अपने खतौली कस्बा और गंग नहर पे खड़ा हूँ। भैंसी का तो हो रहा है, और नाम ले अभी पास गांव पड़ता है यहाँ पे, और दोस्तों बहुत मशहूर चितल की नहर बोलते हैं। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भोले हैं, ये मेरठ से हैं, और ये अपने भोले हैं मेरठ से भाई। तो भोले जी हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? भोले भोलू को खिलावेगी, तसल्ली कर ले। खाली भोले भोलू को खिलावेगी भैया, भूरे को ना खिलाने की, भूरे को भी तो खिलावा कम से कम। कम से कम 5 रुपए का है भाई। कांत लगाए तेरे भाई। अम्मा बांट रही थी, बहुत पुण्य का काम कर रही थी, मैं भी लिया अम्मा खा के तेरे गुण गाऊंगा। तो बोले तू जेब में धर ले भाई। देख भाई दोस्तों, जो मेरी अंदर की बात है, जो मेरी अंदर की बात है दोस्तों, शंकर भगवान की। भाई बोलो, वीडियो बनाता हूँ, कैसी लगती है वीडियो? वीडियो एकदम तुम्हारी दोस्तों देखने आ गया। मैं बोले अपन ये कितने जा रहे हैं। अरे कैसे हो जी? और सोनू सिंगर भी है, सोनू सिंगर। अरे भाई को बहुत बहुत प्रणाम। अरे पूरी टीम आपके यहाँ चैनल को सरकारी कर रखा है। बोला तू मुझे तो भाई, मुझे तो अंदर की बात बता भाई। दोस्तों ये अंदर की बात है, ये बिस्कुट की बात मैं किसी को नहीं बतलाऊंगा। ये बिस्कुट मैं पार्ले जी का खाया खाऊंगा तसल्ली से, वो भी घर पे चाय पे। और दोस्तों देखिए, टाइम पे कुछ भी मिले खाना चाहिए, लेना चाहिए, भोले जी का प्रसाद है। यूं ना है कि खाली मैं रोटी रोटी खाऊंगा या वो खाऊंगा, बिस्कुट का भी जी करे दोस्तों। और चलो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, नी अम्मा भी नहीं सोचेगी कि बिस्कुट का पैकेट जेब में रख ले। ये लो गुड्डे गुड्डे नहीं है पार्ले जी का। अरे एक सेल्फी तो हो जाओ पूरे ग्रुप के साथ। तो दोस्तों अब मैं सेल्फी खिंचवाने जा रहा हूँ, और ये मेरी खतौली है कस्बा, और खतौली के अंदर मैं रहता हूँ। कच्ची मेरी झोपड़ी, ईंटों का मेरा मकान, जमुना बिहार के अंदर रहता हूँ। अब हमारे गांव का एक बड़ा टोपी उड़ो दे, पकड़ इसे भाग के। अबे एक यूरा हमारे गांव का, एक यूरा। अबे क्या कर रहे? इसे तो मिलना है। मैं यहाँ क्या कर रहा? भाई दोस्तों ये हमारे गांव के आज इन्हें नौकरी मिली है, और ये भी भाई बहुत अच्छे हैं मुस्लिम। मुस्लिम तेरा फेर तो जाए भाई, दे दिए नौकरी लग गई अब तो। मुस्लिम धर्म से ही है, ये भी दोस्तों मुस्लिम धर्म से ही है, और ये भी बहुत सहयोग कर रहे हैं भाई, बहुत ही बेचारे भोले जी को अच्छा अच्छा रास्ता बता रहे हैं। अपना भाई समीम भाई नाम है इनका, हमारे गाँव से है, लोहटा मोहम्मदपुर से ही। तो दोस्त आपसे मिलकर बहुत खुशी लगे रहो ड्यूटी में, एक भी भोला थोड़ा अच्छा जाना चाहिए, परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले तो बोले शंकर का वो दिन चल रहे भाई, और सुना बोला तेरा का हाल चाल है? बढ़िया जी, आप बताओ। बोलो मैं तुम्हें एक सेल्फी भी दिलवाता हूँ दोस्तों। ओके तुम्हारी वीडियो कम देखते हैं, लो तो सामने वाह क्या कैमरा है मेरे भाई, वाह मजा मान दिया। अरे भोला फोटो ले ले रहे भोला, पर लेकिन छोला नहीं खा गया होगा तू भाई। दोस्तों पाली जी का बिस्कुट मैंने खाया तो मेरे आई देखे यहाँ चिपक गया, मेरे जान में चिपक गया, देखो निकाल के खाऊंगा। और दोस्तों चलो गंग नहर और दिखाता हूँ। कोई नहीं, टोपी खा लो, टोपी नहीं चिपकने की। भाई दोस्तों भोले मेरे बहुत सेवा कर रहे हैं दोस्तों, और भोलो ने मजा मान दिया। अच्छा पूरा ही दुआ ढूंढ लिया बुरे के लिए, तुम्हारे गाना सुन के तुम दीवाने हो पड़े। अच्छा भाई, भाई एक भोला मैंगो की टॉफी देके गया है के बुरे भाई, तुम्हें बोलते बोलते खुशकी आ गई होगी, तो मैं इस टॉफी को भी खा लेता हूँ। तो
खाने खाने पे कुछ बांटने पे नहीं है। खा क्या गया भैया? खाने खाने पे कुछ बांट नहीं रहा अपनी तरफ से। अरे यार बस भगवान बटवावेगा, हम कौन है बांटने वाले, भगवान बटवावेगा। भाई मालिक ने अगर काम चलाया तो हम भी शरबत बांट देंगे, कल को रुबाब जाएगा। और बताओ, कल से मेरी तरफ से दावत है भाई तेरी कैमरे वाले, रुबाब जाएगा शरबत बांटूंगा भैंस के पुल पे। दवा के पिम्मा में भी हाँ पी लिए। सारे बिस्कुट तो डो गए बहुत अच्छे बिस्कुट लड़कों से भी डर लगा भाई मुझे तो आजकल। पूरा जिम तो कर रहा था तेरा शरीर सा नहीं बना क्या भाई? मुझे ना पकड़ रही जिम भी है? जिम भी मैं 3 महीने डोले मारते मारते 19 का 20 का भी नहीं फर्क लग रहा भाई। दोस्तों मैं भी पूछना चाहता हूँ तुम्हारे से, तुम खाते क्या हो, क्या डाइट है तुम्हारी? प्रोटीन। लो भाई डाइट बताओ, डाइट में क्या ले करो आप? अरे यहाँ पे अब दिल्ली दरबार के बराबर में वो खुलने वाला है। जी जी खुला है। जी जी हाँ है, रोडवेज के पीछे रहता है जी भैया, उसके बराबर घूम रहा हूँ जी जो मेरा वहाँ जिम ज्वाइन कर। तो आएंगे तुम्हारे यहाँ पे जरूर आएंगे, वो डाइटिन वहीं से लेंगे और वहीं से खाएंगे। अब तो फिलहाल जो मैं मार रहा हूँ, मैं फरमान कहाँ मार रहा हूँ, बजाज वाले में मार रहे हैं। और ज्वाइन करा दूंगा 18 को 18.5 को तो भाई सेफ थी। अच्छा तो मेरे भाई जरूर आपसे आएंगे और मिलेंगे और वहाँ से जिम के बारे में ज्वाइन होंगे। थोड़ा सा जल चढ़ जाने दो, जल चढ़ने के बाद कहाँ है मिठाई? भैया मोगू डर लगा बेहतर मुँह को उतार। अरे आपसे मैंने ना भैया मोगू डर लगा है, साची कहूँ ना डर गई अभी तो डर गई भैया। तार का खिंचवाला भोला ना, भगवान कसम कितना ना खिंचवाऊँ, जिप तो खिंचवाले मिले तो फोटो अब ना खिंचवाऊँ बिल्कुल भी। एक बार मुँह दिखा दो भोले अपना। Yeah. तो का फैन है भैया, हरिद्वार से कवर लेकर आ रहे भाई, बोल बना के मुझे डरा रहे थे। पर मैं डरा नहीं हूँ, मैंने पहचान लिया था। एक आज था, एक सोनू था, एक चंद्रूप का था, एक विजयपाल का था। कोई बात नहीं, बोलो मजे लो। ऊंचे पर्वत पे जो बैठा वो भोला भंडारी है, जिसकी जटा से निकली गंगा उसे पूजे दुनिया सारी है। ऊंचे पर्वत पे बैठा जो वो भोला भंडारी है, जिसकी जटा से निकली गंगा पूजे दुनिया सारी है। मैं भी तेरा जाप करूं, मैं नित दिन पूजा पाठ करूं, बन के मैं तेरा दास हूं, बोले जिंदगी भर तेरे साथ रहूं। रहा भूत प्रेत भी नाचे, बाबा ढोल मजीरा बाज रहा।